हज़म का हिस्सा बन चुके हैं हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्श चुके हैं बहुत अच्छी शख्सियत बहुत अच्छे अंदाज़ में गुफ्तु फरमाने वाले मेरे अज़ीज़ मेरे दोस्त मेरे भाई मुहतरम हज़रत मौलाना अतर मियाँ अख्तरक्रीरी साहब हज़रतुम वरम वजरत कैसे मजाक खैरियत से हैं आप। आपकी दुआएँ आप से अलहमदिल्ला आपकी दुआएँ काफ़ी दिनों बाद आप तशरीफ़ लाए उम्मीद करता हूँ आइंदा आने वाले वक्तों में आप तशरीफ़ लाते रहेंगे आपको बहुत बहुत शुक्रिया अल्ला रबुल्ज़त आपके अमल में बेपना बरकत फ़रमाए इन हम आपसे गुफ्तु का आगाज़ करते हैं नाजीन जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोई ना कोई लेकर हाजिर होते हैं उस मौजू पर कोशिश करते हैं मुख्तर से वक्त में गुफगू करें आज का जो हमारा मौजू है वो बहुत ही खूबसूरत मौजू बहुत ही ये ये समझ लीजिए कि इंसान अगर उस चीज़ से हट जाए तो इंसान कहलाने के काबिल नहीं क्योंकि वो है हया की बात जो इंसान हयादार होता है जिसके जिसके दिल में हया होती है वो इंसान कामयाब तरीन इंसान हुआ करते हो जिस इंसान के अंदर हया ना हो बेहया हो तो वो इंसान इंसान कहलाने के काबिल ही नहीं हया के हवाले से हम गुफ्तु करेंगे जिन लोगों को रब्बुल रब्ज़त ने हया बख्शी है उनका दुनिया में क्या मकाम था इस हवाले से हम बात करेंगे तो हम बायदा अपने मौजू को आगे की तरफ लेकर चलते हैं इर्शात फरमाएगा हया इसके लफजी माना क्या है बिस्मिल वलफ़ुरह हमीद वल हम दीफ़ुरजी हाफिजूल सद्लम व सदाक रसुल्हन्नबील करकरीम हामिद भाई आज जो मौजू मुंतखब किया गया है यकीनन वो बड़ी अहमियत का हामिल इसलिए है कि आज के दौर में इस मौजू पर गुफ्तगू करना महाल हो चुका है बिल्कुल ऐसा ही और ऐसा महसूस होता है कि हम जिस माशरे में रहते हैं वो माशरा बेहाई का एक मम्मा बन चुका है। अल्लाह आपने एक सवाल किया कि हया के लघवी मायने क्या हैं तो याद रखिएगा हया के मायने हैं वक़ार और संजीदगी वक़ार और संजीदगी और इसकी ज़िद क्या है बेहयाई फाशी और ओल्मा ने लिखा कि हया इस्लाम के अंदर वो इस तरह है कि जो इंसान को बुराई से रोकती है अच्छाई की तरफ उसे मुतव करती है हाँ और बुराई से उसे रोकती है, रोकती है। जब हम क़ुरान मजीद फुरान हमीद को देखते हैं तो अल्लाह तबारक व वा वाली ने इंसान को बता दिया कि इंसान को किस तरह इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारने का तरीका बयान किया कुरान ने और बता दिया कि कैसे हम अपनी जिंदगी को गुजार सकते हैं जब हमें मालूम हो चुका है कि हम फाहश कलाम और फाहश गुफ्तु से बचें और वो काम जो बुराई का सबब बन जाए क्योंकि इंसान जब बुराई की तरफ मुतवजह होता है तो बेही आम हो जाती है ऐसा ही है जो मैंने आए थे मुबार शुरू में तिलावत की तो अल्लाह तबारक व वाली ने जहाँ मोमिन की सिफात को बयान फरमाया वहाँ पर अल्लाह ने यह भी इशात फरमाया व नज़ीना हम लि फुरू जिम हाफिजूल ये जो ईमान वाले होते हैं ये अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं तो यहाँ पर यह भी बात चल पता चली कि मोमिन की एक अजीम सिफ़त ये है कि वह हया होता है बेहश को बेशार। आम नहीं करता बल्कि हयाद को आम करता है अगर हम अपने माशरे की जानब देखते हैं तो हमारे यहाँ माशरे में संजीदगी नज़र नहीं आती संजीदगी नज़र नहीं आती वकार नज़र नहीं, नहीं आता है हमारे माशरे के अंदर एक ऐसी बे राह गर, गरी नज़र आती है कि लोग ग़लत राह की तरफ चले जाते हैं और वो शायद भूल जाते हैं कि अल्लाह तबारक वालारा जब उन्हें पैदा फरमाया है और जिस खुदा ने इनको पैदा फरमाया है वही ख़ुदा इनको हुक्म देता है कि फाहश कलामी ना करें यही खुदा वही खुदा जिसने पैदा किया है हुक्म देता है कि अपनी नज़रों को नीचा रखें वही खुदा हुक्म देता है औरतों को कि वो पर्दा करें वही खुदा जिस खुदा ने तुम्हें पैदा किया है वही हुक्म देता है कि तुम फाहशी को आम ना करो अल्ला तो यहां पर अगर लफ्ज हया को अगर देखा जाए तो इस लफ्ज़ हया के अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें शामिल हैं कि जिन्हें हमें समझना बहुत ज़रूरी है हज़रत मैं चाहूँगा कि जैसे कि आपने संजीदगी क्योंकि जाहिर सी बात है हया एक बहुत अहम मौजू है बहुत अहम गुफ्तगू करने की अगर हम बात करें तो इस पर संजीदगी का आपने ज़िक्र किया तो संजीदगी किस हवाले से अरसात फरमाएगा किस हवाले से हया में संजीदगी का इज़ार करना चाहिए देखिए संजीदगी से मुराद ये है कि जब कोई शख्स बेहयाई की बात करता है तो जाहिर सी बात है कि वो लोगों को बुराई की तरफ मुतव करता है बिल्कुल और बुराई के अंदर हमेशा इंसान ग़लत काम राह की तरफ चला जाता है जैसे कि हदीस मुबारक में अल्लाह के रसूल सल्हल था ने शाह सरमाया अया शोबाल्मीन ईमान के हया जो है वो एक शाख है ईमान की ईमान की शाख अगर हया ना हो तो ईमान नहीं होता अच्छा और ईमान ना हो तो हया भी नहीं होती बिल्कुल एक और अजी से बार के अल्लाह के रसूल सल तल्लम ने फरमाया कि जब हया चली जाती है तो ईमान चला जाता है जब ईमान चला जाता है तो हया खुद ब खुद ही चल जाती है अल्लाह अल्लाह ये दोनों पर चीज़ें लाजिम और मलजूम हैं यकीन अब अगर हयादार इंसान होगा अपने ऊपर हया अपनाएगा तो ईमान आ जाएगा ऐसा ही है अच्छा हज़रत जैसे कि आपने कुरान मजीद से भी इर्शात फरमाया सरकार सल असलम की अहदीस भी आपने सुनाई मैं चाहूँगा अगर हम सरकार के उशाक़ की बात करें सरकार के ज़माने के लोग सरकार के अहब जैसे कहा जाता है जो हजूर के नाम पर अपनी जानें लुटाने के लिए हम अवक्त तैयार रहा करते थे इर्शात फरमाएगा सहाबा इक्राम कहाँ था कैसा था किस अंदाज में था और अगर हम हामिद भाई मुबारक का मुताल करें तो बुखारी शरीफ की एक जो कि एक सहाबी रसूल सल्ला जो अल्लाह के रसूल को भी बहुत पसंद और साहबा को भी पसंद और अल्लाह को भी पसंद अल्ला। और अल्लाह के फरिश्तों को भी पसंद और वह कितने हया थे हदीस मुबारक मायशा सिदीक रदी फरमाती हैं कि एक दिन अल्लाह के रसूल मेरे हजरे में आराम फरमा रहे थे रावी भी वो जो अल्लाह को पसंद हाँ, जी थी। 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 तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे तो आम तौर पर हमारी शलवार या तहबंद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पिंडली से थोड़ा ऊपर था अल्लाह इतना ऊपर नहीं था कि जिससे घुटना नजर आ जाए यानी सतरे औरत नजर नहीं आ रहा था अल्लाह के रसूल आराम फरमा रहे थे सल्लल्लाहु अल्लाह अलैहि वसल्लम। वसलम अमाइशा फरमाती है कि दरवाजे पर दस्तक हुई पूछा कौन कहा बकर अल्लाह अल्ला के रसूल ने इजाज़त दी आप तशरीफ लाए और आप आके बैठ गए गुफ्तु फरमाने लगे फिर दरवाजे पे दस्तक हुई पूछा कौन कहा उम्र उमर तो अल्लाह के रसूल सल अल्लाम ने इजाज़त दी आप उजरे में दाखिल हुए के पास आकर बैठ दो यार दो यार तशीफ लेकर आ चुके अब तीसरे यार की बारी आई दरवाजे पर हुई सक आयशा सिद्दीका रिवायत फरमाती हैं कि मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल ने जब पूछा कौन तो कहने वाले ने कहा मैं उस्मान तो जब बकर सिद्दीक आए उमर फारूक आए तो अल्लाह के रसूल ने अपनी पिंडी को सीधा नहीं किया अपने तहबंद को सीधा नहीं किया अपने पैर को सीधा ना फरमाया लेकिन जब स्स्मान गनी के आने की बारी हुई तो अल्लाह के रसूल ने अपने पैरों को समेट लिया और अपने तहबंद को सीधा कर लिया गुफ्तगु होती रही मजलिस इख्ताम पसी हुई तीनों साहबा चले गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम से अम्मा इरशीका रदी अल्लाह ताल ने पूछा यारसोल्ला मैंने देखा कि मेरे वालदे ग्रामी तशीफ़ लेकर आए लेकिन आपने अपने तहबंद को सीधा नहीं फरमाया इसी तरह उमर भी आए आपने अपने तहबंद को सीधा नहीं फरमाया लेकिन जब उस्मान आए तो आपने अपने तहबंद को सीधा फरमाया वजह क्या थी अल्लाह के रसूल ने शाह फरमाया कि ए आयशा क्या मैं उससे हया ना करूँ जिससे अल्लाह के फरिश्ते तो फरिश्ते हैं आप अंदाजा करें ये सहाबा कर राम अलिदवान थे कि जो हयादारी के ऐसे मम्बा बन चुके थे कि वो अपनी नज़रों को निगाहों को नीचा झुका कर चलते थे और वो देखते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हयादार थे आप देखिए ना अगर हम इस्लामी कवायद और इस्लामी फिका को देखें तो इस्लामी फिका के मुताबिक एक इंसान को जो मर्द है उसका सतरे औरत यानी नाफ से लेकर और घुटने से नीचे तलक इसको छुपाना वाजिब लाजमी है ज़रूरी है अच्छा और औरत के लिए बाज़ल ने यह भी लिखा कि हाथ तक और चेहरा तक छुपाना जरूरी है यानी पूरा बदन उसका वो सतरे औरत में शामिल होता है तो इंसान को सोचना चाहिए कि ये दीन इस्लाम एक फितरी दीन है और फितर ये हमें सिखाती है कि हम हया हों बिल्कुल फितरत हमें सिखाती है कि हम हया करें फितरत हमें सिखाती है कि हम एक दूसरे का एहतराम करें तो यहाँ पर ख़ास तौर पर मैं अपने नाजरीन से भी गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि हमारी मजलिसें हमारी गुफ्तगु, हमारी नज़रें हमारे कान हमारी ज़ुबान सब हयादार होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल अच्छा अच्छा हज़रत अच्छा, मैं चाहूँगा मुख्तर सा इसका जवाब मिल जाए कि एक बाहया शख़्स को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए देखें आ, हामिद भाई बा, बाहिया बनने के लिए सबसे एक अहम चीज़ है गुफ्तार गुफ्तार इंसान की गुफ्तु ऐसी होना चाहिए कि जिससे सामने वाला हया ना करें हमारे यहाँ माशरे के अंदर ख़ास तौर पर हमारे जब नौजवान जब बैठ जाते हैं तो उनकी गुफ्तु में फ़ाहश कलामी इतनी हो जाती है कि लोग अगर उस गुफ्तु को सुन लें तो वो कानों को हाथ लगाना शुरू कर दें। वो बेही कि हम जी गुफ्तु में बेहयाई ना हो फिर लिबास बिल्कुल लिबास ऐसा हो कि जिसके बेहयाई ना नजर आए अब आम तौर पर हमारे यहाँ वो लिबास जेब किया जाता है जिससे लोगों के आजा नुमाया हो जाते हैं फैशन का नाम इसी तरह या फिर ऐसी ऐसे कपड़े पहने जाते हैं कि जिससे खातिन हो या मर्द हो, उनके जो सत्र औरत जिसे छुपाना वाजिब ज़रूरी है और वो जिसम के वो आज़ा नजर आ रहे हैं तो याद रखिएगा वो जिसम की बदन की सयादारी नहीं कर रहा है Allah इसी तरह गुफ्तार के साथ साथ मजलिस यानी जब हम किसी मजलिस में बैठते हैं तो जब हम अपने से अच्छे लोगों में बैठे तब भी हमारी गुफ्तगु बहुत अच्छी हो और अपने से नीचे लोगों में उम्र के हिसाब से बात उम्र से अगर कुछ लोग नीचे हों तो वहाँ भी गुफ्तु हमारी ऐसी ना हो कि जिससे बदकलामी या फाशी आम हो जाए अच्छा हज़रत इर्शात फरमाइएगा कि अमली एतबार से हया जैसे कि हर चीज़ के हर इदारे के हर जगह कोई ना कोई आ, क्या कहा जाता है कि शोबे हुआ करते हैं तो मैं चाहूँगा इर्शात फरमाए कि अमली एतबार से हया के कितने शोबे हैं देखिए अमली एतबार से हया के तीन शोबे हैं तीन शोबे पहला शोबा क्या है वह अल्लाह से हया कर यानी हम अगर अल्लाह से हया करें कि जिस रब ने हमें पैदा किया है और उस रब की नाफ़रमानी कर रहे हैं हम उसके सामने हमें मालूम है हमारा अकीद है कि अल्लाह तबारक वाली हर जगह मौजूद है बेशक अल्लाह तबारक वाली हर लम्हा हर आन हमें देख रहा है और फिर भी हम उसके सामने गुनाह कर रहे हैं फिर भी हम उसकी नाफ़रमानी कर रहे हैं तो पहला शोबा तो ये है अगर इंसान अल्लाह से हया कर ले तो फिर गुनाहों से दूर हो जाता है दूसरा शोबा लोगों से हया करना तौर पर ये देखा जाता है कि लोग लोगों को देखने की वजह से गुनाह नहीं करते कि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो गुनाह इसलिए नहीं करते कि भाई कोई लोग हमें देख रहे हैं लेकिन हम अगर लोगों से हया कर सकते हैं तो क्या हम अल्लाह अल्ला अल्ला से हया अल्ला नहीं, अल्ला नहीं कर सकते बेशक अल्लाह से हया कर सकते हैं तीसरा उलामा ने लिखा अपने आप से अपने नफ़ से हया करना देखिए मैं बंद कमरे में बैठा हूँ खिड़की और दरवाज़ा बंद है और फिर मैं हयादारी का पास नहीं रख पा रहा तो इसका मतलब ये है कि मैंने उस मकाम को ना पाया कि जो एक मोमिन का मकाम है मोमिन तो वो है कि जिसका जाहिर और बातिन एक हो जाए एक हो जाए ऐसा ना हो कि जिसका जाहिर अलग हो और बातिन अलग हो लेमा तु माला तफाल कि वो क्यों कहते हो कि जिस पर तुम अमल नहीं करते हो तो आपका बातिन और जाहिर एक होना चाहिए तो तब जाकर आप जो है वो एक हया दार बन जाते है। अच्छा जो हया के जितने भी ये शोबे हैं इनको मुकम्मल तौर पर प्रॉपर तरीके से अगर इन पर अमल करता है तो वल्ला का नेक बंदा बनता है नाजिन जैसा कि आज का हमारा मौजू हया से मुतक है और हया पर हम गुफ्तू कर रहे हैं इसी हया के ये समझ लीजिए कि एक शख्स ऐसा भी हमारे इस माशरे में इस दौर में दौरे हाजिर में एक अल्लाह का बंदा ऐसा भी गुजरा जिनका आजकल हम दिन मना रहे हैं मेरी मुराद वो शख्सियत के जो हाफ कुरान भी है जो बामल आलम दीन भी है वो शख्सियत जो पीर भी है वो शख्सियत जो दुनिया दारों के साथ भी मिलना जुलना उसका है वो शख्सियत जो पूरी दुनिया में जाता है इस्लाम की तबलीग करता है वो शख्सियत कि जिसका चेहरा नुरानी, जिसका किरदार नुरानी, जो खुद नौरानी मेरी मुराद कायद सुन्नत कायद मिलत इस्लामिया इमाम इनकलाब इमाम अशा अहमद नूरानी सिद्दीकी नूरुल्लाह मरकद हो कदरी मेरठी मदनी नूरुल्लाह मरकद हो और नाज़ीन मैं ये भी बताता चलूँ कि ये वो शख्सियत है कि सतर साल की उम्र है उम्र का वो हिस्सा कि जब बुज़ुर्गान हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो घरों में आराम कर रहे होते हैं लेकिन ये शख्सियत यह मर्द मुजाहिद उस वक्त भी वी की नमाज़ की इमामत फ़रमा रहा है इस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में कितने मसल मसल सुनाए हैं नवाफिल अदा किए हैं तहजद गुजार और सारी दुनिया के मामलत भी किए हैं और यकीन मानिए इस शख़्स ने दुनिया इस्लाम में एक ऐसा इस्लाम का ढंका बजाया सैदी किरदार अदा किया सदीकी किरदार अदा किया मेरी मुराद इमाम शाह अहमदुरानी मैं दरत, मैं चाहूँगा कि इस शख्सियत पर कि जिसको पूरी दुनिया सलाम करती है जो हम सब के कायद हैं इमाम हैं पीर मुर्शद इमाम शाह अहमद रानी के हवाले से शाहन भाइय हामिद भाई यकीन जानिए आपने तो वो बात कह दी कि सूरज को जो है हम रोशनी दिखाएं अल्लाह यकीन कायद मिलत इस्लामिया राम आई की तात मुबारक हया दारी के हवाले से भी देखा गया कि आप इतने हया के पेकर थे कि आपकी गुफ्तु किरदार और आपकी शख्सियत एक ऐसी शख्सियत थी कि जिन्होंने इस दौर के अंदर ख़ास तौर पर इस दौर के अंदर कि जहाँ पर जिस जिस वजह यहाँ पर जिस इलाके में हम आप रहते हैं पाको हिंद के अंदर तो ख्वाजा 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 खाज़का ख्वाजा मीनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमत ला आप तशरीफ़ लेकर आए और यहाँ पर लोगों को इस्लाम की दावत दी जी बेशक और ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की दावत बिल्कुल बेशक बेशक और अगर हम देखें इनके किरदार को और इनकी सीरत मुबारकों को पढ़े तो आपने मुख्तलिफ मक में जाकर चालीस हजार से जायद को दीन इस्लाम में शामिल और आपके किरदार के अलावा ये बात और फिर सत्रह जबाने गुफ करना हासिल होना जिस जब आप ये लगता कि ये इसी ज़बान के हैं बोलने वाले जी जी बिल्कुल और फिर उसके बाद आपके किरदार का एक और पहलू ये देखिए जो कुरान मजीद फरकान हमीद से मोहब्बत है एक तो बेशक। बेशक। वो कुरान से मोहब्बत करने वाले इस कदर थे कि आप देखें कि कुरान मजीद फुरकान हमीद एक तो तरावी में आपने बताया बिल्कुल और फिर कुरान मजीद फुरकान हमीद तहाजुद में सुबह अल्लाह बहुत बड़ी बात बड़ी कैफियत और पुरकैफ़ एक वीडियो मैंने देखी तो मैं सुनकर बड़ा खुश हुआ कि हमारे भी ऐसे अकाबिर मौजूद हैं कि जिन्होंने कुरने मजीब फ़ुरान भी तहज में ख़त्म फरमा कुरान का लुत्फ़ उठा उठा कर पढ़ते थे और क्या गहराई में जाकर कुरान पढ़ते थे यकीनन हमारा ईमान है कि वो तो कुरान को समझते भी थे ना और वो पढ़ते थे पीछे सुनने वाले माशाल्लाह से बस सुनते ही चले जाते थे क्या मकाम था मैं चाहूंगा हजरत इस पर गुफ्तगु जारी रहे ताकि हम मुस्तफ़ी हो सकें और यहाँ पर एक और बात अर्ज करता चलूँ कि आपके वालद मोहतरम हजरत मौलाना शाह अब्दुल हलीम सिद्दीकी रमतल आपने भी अपने किरदार सुबह आपने एक बाप होने का हक अदा फरमाया ऐसा ही है बिल्कुल और फिर उसके बाद आप देखिये ये इल्म है कहाँ से देखिये एक समंदर चल रहा होता है उस समंदर से एक नहर निकाली जाती है, उस नहर से लोग फैजियाब होते हैं फिर मजीद नहरें निकलती चली जाती हैं तो एक दरिया था वो दरिया था आला हजरत रदील बेशक। और उस दरिया से एक नहर निकली शाह अब्दुल से दी के रहमत बिल्कुल और फिर उससे एक नहर निकली और वह नहर शाह अहमद नुरानी रहमतल्ला की नहर थी जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पर आई और फिर उस नहर का फैजियाब देखें कि पाकिस्तान में खैबर कराची तक तैबर हर शख्स ये ज़रूर कहता है अपने तो अपने पराय भी ये कहते हैं कि अगर कोई शख्स इस दौर का अजीम मजद्द है तो वो शाह अहमद बेशक बेशक हज़रत ये पाकिस्तान की बात तो है अगर हम पाकिस्तान से बाहर जाएं क्योंकि मेरा एक दो जगह जाना हुआ पाकिस्तान से बाहर तो वहाँ यकीन मानी मुझे ऐसा लगा कि ये सारे नहीं के चाहने वाले हैं पाकिस्तान से ज़्यादा तो ये ये हमारे लिए एजाज की बात है कि हम उस शख्सियत के मानने वाले हैं कि जिसको पूरी दुनिया चाहती है वो अल्लाह के हबीब के सच्चे आशिक थे वो अल्लाह के हबीब के सच्चे यार के सच्चे चाहने वाले थे अल्लाह से दुआ करते हैं कि क्योंकि आज उन्हीं के दिन चल रहे हैं उनके चाहने वाले यकीन हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह रबुल्ज़त उनकी तुरबत पर करोड़ों रहमत नाजिल फ़रमाए और हम सब को फैज़ान नुरानी पर काम करने की तोफ़ी फरमाए हज़रत आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तु फरमाई हया के हवाले से हमारे नाजरन ने यकीन बहुत कुछ सीखा आज आ, मैं चाहता हूँ नाजरीन अमामा साहब के लिए भी दुआ फ़रई हमारी पूरी टीम के लिए दुआ फरमाई कि रब्ल वनस की पूरी टीम को बहुत ज़्यादा खुशियाँ ता फ़रमाए सलामत रखे अपना ख्याल रखिए अपने याल अपने पड़ोसी रिश्तेदार सबका ख्याल रखिये और वीनस टीवी की पूरी टीम को अपनी खसूस दुआओं में याद रखिए अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि लाही